हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची थ्रेड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। ये जो व्लॉग है हाफ करवा चौथ का, यहाँ मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही थी और बच्चों ने ही रिकॉर्ड किया है, तो कुछ कुछ क्लिप उन्होंने ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे टाइप का कर दिया है। और पीछे मैंने किया था और चांद बहुत जल्दी ही निकल गया था इस बार, तो बस वैसे ही मैंने किया। और लड्डू यहाँ पे पापा को अपने प्रणाम करा था। और गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ कि जब मैं प्रणाम की ना, तो वो भी 5 बार कर रहा था अपने पापा को। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे लहंगा कहाँ से लिया है, तो मैं ये बता दूँ कि लहंगा और दुपट्टा मैंने ये सब कॉन्ट्रास्ट किया था, बिकॉज जो ये लहंगा है उसका ब्लाउज और उसका दुपट्टा कहीं पे मिसप्लेस होके रखा गया है, तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्टिच कराया अलग से लेके कपड़ा। तो यहाँ पे मैं इनको टीका लगा रही हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे जो कि सिर्फ यही खा सकते हैं, और फ्रूट्स रखे थे। और जो ये मेरा थाली था ना, ये थाली मेरा मैंने टेम्पररी ख़रीदा था, मतलब कि यहाँ पे लड्डू के पापा जब आए ना तो उन्होंने ख़रीदा ये, क्योंकि जो मैं ख़रीदी थी उसमें दिया वगैरह सब सेट में ही था। और ये जो दिया मैंने जलाया था, वो दिया तो बहुत प्यारा था लेकिन वो चन्नी में फिट नहीं आ रहा था, और यहाँ पर लाइट की वजह से लड्डू के पापा मेरे को धुंधले दिख रहे थे, तो मैं बोल रही थी धुंधला दिख रहा है इसमें। फिर इसके बाद से मैंने प्रॉपरली देखा एंड चांद पूरा अच्छे से एकदम निकल गया था। पिछली बार तो 3 बजे रात में कोयम्बटूर में निकला था, तो मैं छत पे बैठी हुई थी, बट यहाँ पे अभी आराम से मतलब 8:30-9 बजे के करीब निकल गया था। तो यहाँ पे मेरे को पानी पिला रहे थे एंड देन उसके बाद ख़त्म। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कैमरा इधर उधर हिला है ना, तो मैं इसको फास्ट उसमें कर दी हूँ। और आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आएगा तो खूब सारा लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज लोग वीडियोज़ तो देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बढ़ते आगे व्लॉग की तरफ, जिसमें मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मेरे को पता है मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ, बिकॉज मेरे को कल पूरे दिन मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल एडिट करने का, और मेरा हेडेक भी हो रहा है। तो चलते हैं आगे वीडियो। डू यू वांट केक? यस। डू यू वांट पिज्जा? नो। अभी पिज्जा नहीं चाहिए, जो सामने है वही चाहिए, अब बाकी टाइम पिज्जा ही चाहिए होता है। डू यू वांट कुकीज? कुकीज? ये देखना चाहता है कि केक है कि नहीं है। अरे नानी लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे नानी। केक, ब्लो यो कैंडल, देन कट द केक। दो बाबू प्लेट ला दे, तो बस बंद कर दो तुम कट। नानी को बैठा दो, नानी को हैप्पी बर्थडे ना। नानी ग्रैंड माँ को पहनाना है, ग्रैंड माँ का बर्थडे है। चलो हैप्पी बर्थडे बोल क्या नानी को। हैप्पी बर्थडे नानी, पहले नानी को बोल। केक के चाहिए, अरे सो केक चाहिए भी। आइए जी, आइए 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 आइए, आप खड़े हो जाइए जी। अब ना माचिस माचिस अनुष्का माचिस। अरे वो प्लेट जो जलाए थे उसमें प्लेट में है माचिस। आइए मम्मी, पूजा घर में है। उठ रहे हैं जी, पहले चाकू लेके बैठा हुआ। चलो चलो चलो, क्या बीच में बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, क्या बैठ जाओ, क्या बैठ। हाँ टोपी टोपी टोपी। स्टॉप। केक करना है ना। आज से सारा बीमारी खत्म। केक। बैठी पापा जी, आप भी आगे रखो साहब, प्रिंस पीछे रहे, छोटा तो निकले स्टार्ट है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
अब मत खाइएगा ज्यादा। नहीं नीचे क्रीम हटाया खाइए। हाँ सर आप खाइए। अब बच्चा लोग खाएगा। अरे वाह लड्डू हैप्पी बर्थडे नानी बोल दो। और भैया और बाबू की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। सर ना खिला दो। सर एक एक मिनट मत खिलाइए पेट खराब हो रहा है। तुमको बना तो यहाँ गाइस हम लोग उठ गए। शर्ट पहन रहे हैं इनके शर्ट में गाइस एक टी शर्ट भी है। इसको क्यों छुपाए हैं आप? और अर्णव ना मेरे से मैचिंग करके आए थे है ना अर्णव? इनको पता नहीं था फिर भी हम दोनों का मैचिंग हो गया था है ना। अभी जस्ट उठ के आए अर्णव तो अभी थोड़ा फ्रेश होंगे हम लोग। ब्रश करेंगे। व्लॉग एडिट कर रही थी लेकिन अभी जल्दी से फटाफट रेडी होंगे। यहाँ मम्मी कर रही है अपना ब्रेकफास्ट। चाट होने खा लेंगे तो यहाँ पे मम्मी दाल और थोड़ा सा सब्जी वो भी बिना मसाले का और रोटी खा रही है। और मैं अपने चूड़ा में के बीच में का निकाल दी थी बिकॉज सारे कपड़े में फंस रहा था और दाल में ही रोटी भिगो ली है। तो फटाक से मैं एडिट करती हूँ वीडियो आप लोग के लिए डालना है। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को और बस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइस अब लड्डू के पापा थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। वहाँ पे अर्णव ब्रश कर रहे हैं और चूड़ा पहन के अच्छा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं पूजा कर ली हूँ नहा धोवा ली हूँ। टीका गया नहीं है क्योंकि सिंदूर का ही लगा हुआ था। तो अभी जस्ट अब मैं क्या करूँगी बस नाश्ता निकालूंगी यानी कि कुछ मिठाई रसगुल्ले वगैरह। आईब्रो नहीं कराया बहुत दिन से करवा चौथ में भी नहीं कराया। तो अभी नाश्ता निकालूंगी लड्डू के पापा और अर्णव के लिए और दोनों जब नाश्ता करेंगे उसके बाद खाना खिलाएंगे यानी कि रोटी सब्जी वगैरह खिलाएंगे। तो बनी रही है व्लॉग में। चम्मच किस लिए लाया है गाइस ये पता है? हॉर्लिक्स खाने के लिए लाया है बट इससे निकल पाएगा लड्डू? पता नहीं ऊपर से उठा कैसे दे रहा है। कैसे खोलो नंबर इसमें तो आ ही नहीं रहा है। जाओ दूसरा स्पून लेके आओ चम्मच लेके आओ जाओ। तुम्हारे हाथ में ज्यादा आ रहा है हॉर्लिक्स चम्मच से। मैं वो चम्मच से ज्यादा तो तुम मेरे मुंह में खिला दिया। दो मम्मा खिला दे। पूरा डब्बा लगे गया गिराएगा। पूरा मुंह पे गिरा दिया जितना खिलाया नहीं उतना तो गिरा। दो खिलाए मम्मा। बोल दो हाय गाइस। हेलो चम्मच ले क्या बाबू चम्मच।